खर्च करते हैं, खर्च अपने गोविंदपुर की जनता को हमने समर्पित किया है। मंदिर और मस्जिद दोनों? जी मंदिर मस्जिद दोनों, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी सामाजिक में। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो सभी विधायकों में कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। ऐसे में हम आज आपको ऐसे विधायक से मिलवाने जा रहे हैं, ऐसे विधायक के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपनी तनख्वाह लेते तो हैं विधानसभा से, लेकिन खर्च नहीं करते अपने परिवार के ऊपर, ये खर्च करते हैं मंदिर बनवाने के लिए। नाम है इनका मोहम्मद कामरान। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, मोहम्मद कामरान है, नवादा ज़िले के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के ये विधायक है। पहले रालोसपा में थे, चुनाव के वक्त ये आरजेडी में आ गए, आरजेडी से इन्हें टिकट मिला और आरजेडी के टिकट पर ये जीत भी गए। आरजेडी के ये विधायक हैं मोहम्मद कामरान, आज इनसे हम मिलवाने जा रहे हैं आपको, इनसे हमने बातचीत की है। बड़ी बात यह है कि मोहम्मद कामरान को जो पैसा मिलता है तनख्वाह के रूप में, उस तनख्वाह से ये मंदिर बनवाते हैं, बच्चों की पढ़ाई में सहयोग देते हैं ये, और क्या कुछ करते हैं। सीधा कह रहे हैं, मैं कमीशन नहीं लेता हूँ, मुझे कमीशन से सख्त नफरत है, मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं किसानी करता हूँ, खाता हूँ अपना, रहता हूँ, और मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं ज़रा सुनिए। चर्चाएँ ये होती हैं, हमने ये सुना है, आपके क्षेत्र के लोग भी कहते हैं तनख्वाह नहीं मिलता है क्या आपको, कि तनख्वाह लेते नहीं है? नहीं, तनख्वाह लेते हैं। लेते हैं जी, बिल्कुल लेते हैं तनख्वाह। तो खर्च नहीं करते हैं? खर्च करते हैं, खर्च अपने गोविंदपुर की जनता को हमने समर्पित किया है, सैलरी भी, इसलिए खर्च करेंगे तो गोविंदपुर की जनता पे ही करेंगे, अपने ऊपर खर्च नहीं करते? नहीं, अपने ऊपर सैलरी का पैसा खर्च। सुना है कि जब आप चुनावी मैदान में उतरे थे, चुनाव जब लड़ रहे थे, उस वक्त एक नारा काफी गूंजा था गोविंदपुर में कि कमीशन फ्री रहेगा, क्या ये माजरा क्या है कमीशन फ्री? तो मैंने पहले ही जनता से वादा किया था कि हम कमीशन जो है नहीं लेंगे, कमीशन फ्री रहेगा यहाँ का। ठीक है, आप कह रहे हैं, लोग तो ये कहते हैं कि जो विधायक कहते हैं कि मैं कमीशन नहीं लेता हूँ, सोचिए वो डबल कमीशन लेता है, तो पारदर्शिता कैसे आएगी, कैसे सबको पता चलेगा? पदाधिकारी हैं वहाँ जो, तो हम उनको, पदाधिकारी को हमने पहले ही बुला के इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि हमारा कोई कमीशन, कोई भी आदमी हमारा कमीशन नहीं लेगा, कुछ नहीं चाहिए, न कमीशन चाहिए, न तनख्वाह चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब जनता को समर्पित है। जिसने यहाँ तक पहुँचाया, जिसके आशीर्वाद से आज उस लोकतंत्र के मंदिर में जाने का और उनकी आवाज़ उठाने का मौका मिला, उनको समर्पित है। तनख्वाह क्या करते हैं आप, कैसे लेते हैं, तो क्या करते हैं? तनख्वाह में हमने उनसे कहा है कि जब 6 महीने का, साल भर का तनख्वाह जमा हो जाएगा तो मैं जनता के बीच में जाकर उनसे पूछूंगा कि कहाँ खर्च करना है। हर गांव का एक अपना समस्या होता है, चाहे वो मंदिर का हो या हॉस्पिटल में किसी इक्विपमेंट का हो, या बच्चों को किसी वैसे गरीब बच्चा को जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा है, उनको IIT इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल में एडमिशन हो, इस तरह के सामाजिक मतलब चीज़ों में खर्च करना चाहिए। मोहम्मद कामरान मंदिर भी बनवाएंगे और पढ़ने के लिए बच्चों को पैसे? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई ये नहीं, जनता मंदिर भी बनवाएंगे, बिल्कुल, जनता ने जो वोट दिया है तो अपने आस्था से वोट दिया है, तो जो जो लोग जिस धर्म से जुड़े हुए हैं उनका हम सम्मान करते हैं। बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा भी देंगे? बिल्कुल, बच्चे की पढ़ाई को ऐसा जरूरत पड़े कि उनको पढ़ाई के पैसे के कारण वो IIT में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, पैसे के कारण वो मेडिकल में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये सैलरी का पैसा वहीं पे खर्च। सवाल ये है तो फिर आपका खर्चा कैसे चलेगा? हमारे खर्चा करने के लिए हमारे कई तरह का चीज़, हम कृषि पे हैं, हमारे बाप दादा का ज़मीन है, इतना फसल जरूर उगा लेते हैं कि अपना खर्च चला सकते हैं। बस दो रोटी चाहिए? बिल्कुल, दो रोटी चाहिए और कुछ नहीं, और डीजल में गाड़ी में डलाने के लिए डीजल चाहिए, वो भी है, इतना कैपेसिटी है कि हम कर लेंगे, बस गाड़ी में जाने के लिए डीजल चाहिए और खाना। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के बीच में घूमने के लिए बिना डीजल के कैसे घूमेंगे। चलिए, तो देखिए कुछ अनोखा इनका अंदाज रहा, पहली बार हमारी मुलाकात हुई, ये कह रहा है कमीशन नहीं चाहिए, तनख्वाह भी नहीं लूंगा, तनख्वाह लूंगा सरकार से लूंगा, लेकिन जनता के बीच में उन्हें दे दूंगा, मंदिर बनवाएंगे मोहम्मद कामरान, बच्चों को पढ़ाई में अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी देंगे, लेकिन मंदिर और मस्जिद दोनों? जी मंदिर मस्जिद दोनों, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी सामाजिक में, कहीं कब्रिस्तान का घेराबंदी सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सरकार फंड नहीं दे पाती, और जनता अगर उस जगह पे अपने को आगे करेगी कि हम लोग सब मिल करके अगर उसका घेराबंदी करते हैं, तो उसमें ये पैसा को भी हम यूज़ कर सकते हैं मंदिर में। देखिए, तो अपने निजी पैसों को यूज़ करेंगे, एक अनोखा अंदाज है इनका, अपना अपना सोच है सबका, थोड़े अनोखे विधायक है मोहम्मद कामरान, गोविंदपुर से जीत के आते हैं नवादा के, तो ऐसे में इनसे मुलाकात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनने में आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि अगर और बिहार में बढ़ जाए, विकास लगता है जल्दी ही नज़दीक आ जाएगा, हमें दिखने भी लगेगा। धन्यवाद।